पाकिस्तान में अब एनएमए की बहुत बड़ी यू नो फैन फॉलोइंग हो गई है, एंड आई बीन डिबेटिंग ऑनेस्टली पिछले कोई दो हफ्ते से कि शुड आई स्टार्ट वॉचिंग इट और नॉट, बिकॉज नेटफ्लिक्स मुझे एक बहुत पुश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपकी ये जो फिल्म है ना, ये मेरा शायद जर्नी स्टार्ट करे टुवर्ड्स दिस. लेकिन आप एक्साइटेड हैं क्योंकि मैं YouTube पे आपके जो ट्रेलर था ना और एक दो और वीडियोस थे उसके नीचे कमेंट्स पड़ी थी, एंड जो एनिमे के फैंस हैं वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, एंड दे वर कंपेयरिंग योर वर्क विद यू नो आई होप मैं सही नाम यू गिबली राइट या जिबली उनकी एनिमेशंस के साथ, एंड दे वर रियली रियली प्राउड. तो वही मुझे लगता है कि ये बड़ा टाइमिंग भी शायद सही है, ऑल्दो आपको शायद लग रहा हो कि एक बहुत बड़े सफ़र से गुजरे हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद वो मार्केट अब आपके लिए तैयार हो गई है फॉर फिल्म. How do you see it? It's funny how it worked out. मुझे तो बचपन से एनिमेशन का शौक था. I grew up playing music and drawing. और एनिमेटेड फिल्म्स को देख के ही मैं ड्रॉ करता था. And I loved comic books as well. मैं स्पाइडरमैन को बनाता रहता था. लेकिन जब मैंने स्टूडियो जिबली की फिल्में देखी, मुझे मतलब मैं 4-5 साल का था, मुझे तो पता भी नहीं था कि स्टूडियो जिबली क्या है. मुझे बस पता था कि ये फिल्म मुझे अच्छी लग रही है. उस फिल्म का नाम है कीकीज डिलीवरी सर्विस. और वो हमारे पास एक पुराना VHS टेप था, हमने शायद रेंट किया था या ख़रीद लिया था, ये मुझे याद नहीं है. और उसमें कार्टून्स थे और किसी ने कीकीज डिलीवरी सर्विस के ऊपर उन कार्टून्स को रिकॉर्ड कर दिया था. तो कार्टून्स जब ख़त्म हो जाते थे, कीकीज डिलीवरी सर्विस वुड बिगिन इन अबाउट 15-20 मिनट्स इन टू द मूवी. तो मैंने आगे जाके फिल्म की शुरुआत भी बाद में देखी थी. मुझे बस पता था कि दिस सॉर्ट ऑफ एनिमेशन, दिस इज़ समथिंग आई रियली लाइक, एंड आई डिडंट नो व्हाई. And then I just kept getting more and more interested in it. फिर एज आई गॉट ओल्डर आई फाइंड आउट दैट where these films originated from. Japan mein ek studio hai, uska naam Studio Ghibli hai, aur Hayao Miyazaki aur Isao Takahata do directors hain jo filmein banate hain Studio Ghibli ke liye, aur unke producer Toshio Suzuki wo bhi kaafi mashhoor the. To aahista aahista I built up my knowledge about the studio, but I was, again, this was before I was a teenager. And then when DVDs came along, phir to bahut sare DVDs khareede hain sare movies ke, aur main अक्सर बिहाइंड द सीन्स फीचर एड्स भी होते थे जिबली की फिल्में और हॉलीवुड की फिल्में, तो बिहाइंड द सीन्स में बहुत देखना शुरू हो गया कि मूवीज़ कैसे बनती हैं. तो एक फैसिनेशन उधर भी डेवलप हो गई. अगेन नेवर थिंकिंग आई विल मेक मूवीज़, आई जस्ट लव्ड द वर्ल्ड ऑफ फिल्म. मैं तो म्यूज़िक की तरफ जा रहा था, बिकॉज़ आई थॉट पाकिस्तान में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, एंड आई न्यू इनफ अबाउट द इंडस्ट्री टू नो कि मुझे जापान में अभी के लिए नहीं काम करना, because it is a very very difficult and grueling industry in Japan, the animation industry. They make amazing work, but I knew a bit more about it than say a regular fan. So it's like abhi nahi, abhi do your own thing. And kitne bade the aap us waqt? 14-15-16 saal. कितनी बड़ी कलेक्शन आपके पास डीवीडीज की अभी तक है? बहुत बड़ी कलेक्शन है, बहुत बड़ी कलेक्शन है. कहाँ, वो एक कोई वॉल है क्या, है किस तरह रखा हुआ? आई वुड लव टू सी. मैंने स्टूडियो में अपने डेस्क के ऊपर थोड़ी सी कलेक्शन, मतलब थोड़ी सी उधर रखी हुई है, बाकी घर पे रखी हुई है. और अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो डिजिटली भी बहुत बड़ी कलेक्शन है, क्योंकि मैंने वही फिल्म्स जो मैंने VHS और DVD और फिर ब्लूरे पे ख़रीदी वो अब डिजिटली भी ख़रीदी. इट इज़ अ वेस्ट इन माई ओपिनियन, बट आई जस्ट हैड टू हैव देम एवरीवेयर. बट डोंट यू थिंक वो अच्छा है ना, कलेक्शन हो गई आपकी, वो जो वो DVDs और VHS होगा वो अब कहाँ मिलती हैं इतनी आसानी से? हाँ, अब तो बहुत मुश्किलों से मिलती हैं. So you being in this field and such a passionate, you know, fan of this, तो वो तो बड़ा आपके पास एक अच्छा है. कुछ है जो जाके अभी भी आप देखते हैं कभी कभी या नहीं? तो मैं DVDs को तो एग्जामिन इतना नहीं करता, क्योंकि मुझे वो फिल्में याद हैं, तो मैं पर्टिकुलर सीन्स को जाके देखता हूँ. लेकिन मेरे पास सारी आर्ट बुक्स भी हैं, पुरानी डिज्नी की आर्ट बुक्स एंड ऑफ कोर्स स्टूडियो जिबली आर्ट बुक्स. और एक चीज़ जो मैं बहुत देखता हूँ, उनकी स्टोरी बोर्ड बुक्स हैं. एनिमेशन में स्टोरी बोर्ड्स आर लाइक द फाउंडेशन फॉर द फिल्म, बिकॉज आई मीन फॉर एनी, अगर लाइव एक्शन भी कर रहे हैं या एनिमेशन कर रहे हैं, स्टोरी बोर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट एनिमेशन में, बिकॉज यू आर ड्राइंग एवरीथिंग, एंड पर्टिकुलरली इन हैंड ड्रॉन एनिमेशन, जिसमें स्टाइल एक खास स्टाइल, कैरेक्टराइजेशन का एक खास स्टाइल है. स्टोरी बोर्ड्स मैंने पूरे खुद बनाए फिल्म के, जो मेरे हीरोज़ भी वही चीज़ करते हैं. तो मैं अक्सर उनकी किताबों को लेके एग्जामिन करता हूँ कि उन्होंने कैसे किया. इफ़ आई सॉ अ पर्टिकुलर शॉट इन अ फिल्म that I really liked, I would go to the storyboard book, open that up, examine that shot, find it in the entire book,
find that shot and then break it down and understand the technicalities behind it. तो वो समझ के फिर मैं अपने स्टोरी बोर्ड्स बनाता था. सो दैट वॉज अ फन काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोसेस फॉर मी. जी तो म्यूजिक था, ड्राइंग थी, प्लस ये आप एनिमेशन की तरफ आ रहे थे. किस वक्त डिसाइड किया कि मैं इन तीनों को कैसे बैलेंस करूँगा, या मैं प्रोडक्शन या डायरेक्शन या क्रिएशन की साइड पे जाऊँगा? एट वॉट पॉइंट इन टाइम यू डिसाइडेड एंड वॉट हेल्प यू डिसाइड? आई डिडंट रियली थिंक अबाउट इट दैट मच. मुझे बस एक चीज़ का शौक था और मैं, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाता, आई डोंट रियली लाइक पार्टीइंग एंड डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आई एंजॉय मेकिंग थिंग्स, तो आई वुडंट थिंक अबाउट इट. मैं स्कूल से घर आता था, मैं म्यूज़िक में बस घुस जाता था, मैं प्रैक्टिस करता था. एंड इट वॉज नॉट टू अचीव एनी थिंग एट फर्स्ट, इट वॉज जस्ट बिकॉज आई एन्जॉयड इट. ड्राॅइंग में भी वही हाल था. आई जस्ट ड्रू बिकॉज आई लाइक्ड मेकिंग थिंग्स एंड I enjoyed the process of making things, never thinking that I'd make something. Again, I never had the intention when I was young ki main director banunga animation ka ya main composer banunga music ka. It's just because I enjoyed it. As I got older, I started realizing, hey, main to apni cheeze bana sakta hu. Aur music mein khaas taur pe aap agar classical music aap bajate hain, you learn other people's compositions. Classical music is very repertoire heavy. आप मोजार्ट के, अगर पियानो बजाते हैं, मोजार्ट के पीसेस सीखते हैं, बेथोवन, शोपेन, लिस्ट, ये मैंने सीखे थे सारे. और फिर मैं एक्सपेरिमेंट करके अपनी कॉम्पोजिशंस बजाता था. तो इट जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग वेरी ऑर्गेनिकली. मैं दूसरे लोगों के कैरेक्टर्स बना के फिर अपने कैरेक्टर्स बनाना शुरू हो गया. द मेन थिंग इज स्टोरी टेलिंग. आई एन्जॉय गुड स्टोरीज, एन्जॉय ब्रिंगिंग दोज स्टोरीज टू लाइफ. मैंने दो शॉर्ट फिल्में भी डायरेक्ट की, उनको भी मैं एनिमेट करना चाहता था. तो मैंने उनको उसी तरह स्टोरी बोर्ड किया, बट वी डिड दैट लाइव एक्शन. अगेन नॉट थिंकिंग कि एनिमेशन कभी कर सकूँगा. तो इट्स नाउ दैट आई लुक बैक एट एवरीथिंग, इट्स सरियल कि मैं यहाँ बैठ के एक एनिमेटेड फिल्म की बात कर रहा हूँ जो हमने बनाई है. बिकॉज आई नेवर थॉट इट वुड एवर हैपन. आप इंडस वैली जी ज्वाइन किया आपने, कुछ साल वहाँ रहे. Then you decided to drop out. What happened? Yes. If you want to share anything. Sure. So, Indus Valley, I learned a lot there. Indus Valley School of Art and Architecture. And I'm really glad I did that, because I did art in O-levels and A-levels. School mein toh art main karta rehta tha. This was a dedicated arts college. And I got to explore a lot of things. The architecture classes were fascinating, because foundation year mein woh aapko sab kuch sikhate hain. So I learned a lot about just drawing freehand and drawing buildings and things, which helped me later while I was storyboarding for The Glassworker. So I picked up a lot of skills there, and then studied graphic design, illustration, which really, really helped me see and understand the film world. Ironically enough, ke wo jo color palettes wagaira jo sab kuch istemal karte hain in their art direction, graphic design helped me understand that. And us waqt bhi main nahi soch raha tha that I will use that in making a film. It was just knowledge that I was acquiring. I dropped out of Indus because TED selected me for the TED Fellows program. I was the youngest TED Fellow ever selected. This was in 2012. I was 21 years old. So when that happened, went for the conference. I gave a talk about my work, which was about my making, how I made my short films, how I played music, and how I learned a lot of things from the internet for these creative fields. That talk did well, and then I did a performance on the main stage with Preston Reed, one of the pioneers of percussive guitar, who I still look up to, and he's a genius. So it was a huge honor to be able to perform with him. After that talk, I got an opportunity to speak and perform at TEDx conferences and other TED conferences all over the world, and I just thought, okay, I have to do this. और फिर इंडस वैली से मैंने गैप ईयर मांगा, वो दे नहीं रहे थे. सो आई वाज लाइक ओके, आई विल जस्ट ड्रॉप आउट. माय टीचर्स वर ग्रेट, इट वाजंट दैट, दे वर जस्ट सेइंग कि टेक्निकलिटीज हैं, यू श्योर यू वांट टू डू दिस? सो नो इल विल और एनीथिंग, इट वाज जस्ट ओके, आई विल जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस. एंड देन समहाउ आई वाज इनवाइटेड व्हाइल आई वाज ऑन दिस टूर टू बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक ऑन अ फुल स्कॉलरशिप. और फिर बर्कली मैं तकरीबन 3 साल के लिए गया,
dropped out from there because the animation opportunity came. So I'm a two-time college dropout.